हारमोनिक्स और एनालिटिक पे एग्जांपल नंबर सिक्स है। इफ़ यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा वाई आर हारमोनिक फंक्शन इन ए रीजन आर, दे रखा है ये कि यू और वी हमारे हारमोनिक फंक्शन है रीजन आर में। प्रूव दैट द फंक्शन ब्रेकेट डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई ब्रेकेट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ब्रेकेट क्लोज इज एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड बराबर एक्स प्लस आई। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक है एनालिटिक फंक्शन है और ये आरजीपीपी भोपाल दिसंबर 2004 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि यू और वी हमारे हार्मोनिक फंक्शन रीजन आर है। तो यू एक्स कॉमा वाई एंड वी एक्स कॉमा वाई आर हार्मोनिक्स फंक्शन इन ए रीजन आर, कहा कि ये दोनों ही फंक्शन क्या है, क्वेश्चन देखे हार्मोनिक फंक्शन। तो क्या करेंगे, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे दोनों फंक्शन। तो देयरफॉर लैप्लास इक्वेशन लिख देते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, इसे इक्वेशन हम वन मान लेते हैं। इसी प्रकार डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब जो हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये एनालिटिक है, तो इसको मान लेते हैं एफ जेड बराबर कैपिटल आर प्लस आई एस बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस आई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ब्रैकेट क्लोज। तो रियल और इमेजिनरी कोएफिशिएंट इन दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वेट कर देंगे तो आर बराबर हमारे पास निकल कर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और एस बराबर निकल कर आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये है आर और ये है एस, तो हम यहाँ से निकालेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो इसको पार्शियल डेरिवेट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू और ये डेल एक्स और ये डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड। इसी प्रकार वाई के सापेक्ष करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई और इंटू डेल एक्स। तो ये इक्वेशन हो जाएगी फोर। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे डेल एस अपॉन डेल एक्स बराबर तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई सॉरी डेल एक्स इंटू डेल वाई। डेल एस अपॉन डेल वाई बराबर तो ये जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई इंटू का डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू का डेल एक्स। तो ये इक्वेशन हो जाएंगी फाइव और ये हो जाएंगी सिक्स। सॉरी यहाँ पे देखिए गलती होगी, यहाँ क्या होगा डेल स्क्वायर वाई, ये नहीं होगा। फॉर द फंक्शन आर प्लस आई एस टू बी एनालिटिक, तो एनालिटिक होने के लिए क्या होगी, ये कंडीशन होगी सी आर इक्वेशन से डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर डेल एस अपॉन डेल वाई डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल एस अपॉन डेल एक्स, इसे सेवेंथ इक्वेशन सेवन एट्थ इक्वेशन। तो यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं और उसे इक्वेट करते हैं, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है, डेल एस अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है, तो यहाँ रखते हैं तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर वी और डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल एक्स की डेल स्क्वायर यू डेल वाई इंटू का डेल एक्स प्लस का डेल स्क्वायर वी और डेल वाई स्क्वायर।
तो ये इक्वेशन मान ली हमने 9, तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इस 9th वाली इक्वेशन में यहाँ पर रख देंगे, तो ये डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर वी डेल एक्स स्क्वायर बराबर ये डेल स्क्वायर यू और डेल वाई इंटू का डेल एक्स माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर यू डेल वाई इंटू का डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू का डेल वाई ये होता है, तो इसमें रख देंगे। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू का डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल एक्स डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो गई 10। तो देखिए दोनों के आपस में बराबर हो गई, ये पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी फुलफिल हो गई। अब हम सेकेंड कंडीशन के लिए चेक करेंगे। तो ये 8th इक्वेशन में ये वैल्यू रख दी, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये है। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू का डेल एक्स बराबर माइनस का डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू का डेल सॉरी यहाँ पर माइनस होगा माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू का डेल वाई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसे 10 मान लेते हैं बराबर 0। तो यहाँ से डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे इस वाली इक्वेशन में ये, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई इंटू का डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स इंटू का डेल वाई। तो देखिए यहाँ क्या डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स है, तो यहाँ क्या डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई है। तो इसे बराबर करने के लिए हम जानते हैं डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स ये होता है, तो यहाँ रख देते हैं। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू का डेल एक्स बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस का डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई इंटू का डेल एक्स। तो देखिए ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, अब बराबर होगी। तो सेकंड वाली इक्वेशन भी क्या है वो सेटिस्फाई कर रही है, तो हमारी दोनों ही क्या है सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो लिखा जा रहा है सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एंड हेंस गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो एनालिटिक है, तो वो हमने प्रूव कर दिया क्योंकि आर और एस की क्या है वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।